दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही एप्पल ने अपना आईफोन 16 लॉन्च किया है और दोस्तों इसको लेने के लिए लोगों ने रात रात भर जागकर ऐसे लाइनें लगाई हैं कि भैया जैसे उनको फ्री में राशन मिल रहा हो। मैं 21 आवर्स से लाइन में खड़ा हूँ। मैं कल 11 o'clock को स्टोर ओपन हुआ था, तब से आया हुआ हूँ। लेकिन दोस्तों एप्पल जो कभी आईफोन बनाना ही नहीं चाहता था, फिर उसका ये प्रोडक्ट कैसे इतना सफल हो गया कि उसके 7 मेजर प्रोडक्ट में से सबसे ज़्यादा 15% कमाई करके उसको आईफोन ही देता है। दोस्तों जानेंगे आईफोन की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो के लिए एक लाइक, और दोस्तों अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लगातार मिलती रहें। दोस्तों बात है उस दौर की जब भैया 6 फ्रिज के बराबर कंप्यूटर हुआ करते थे। अब दोस्तों इतने बड़े कंप्यूटर पर काम करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। और दोस्तों यही बात 2 अमेरिकन को बहुत ज़्यादा खटकती थी, एक थे स्टीव जॉब्स और दूसरे थे स्टीव वोजनिक। अब दोस्तों इन दोनों को ही ये बहुत बुरा लगता था कि भैया इतने बड़े कंप्यूटर पर काम कैसे करेंगे। इसीलिए दोस्तों इन्होंने गैराज में एक ऐसा छोटा कंप्यूटर बनाने की सोची कि भैया जिस पर लोग आसानी से काम कर सकें, और इस पर इन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया। अब 1 अप्रैल 1976 को एप्पल ने अपना वन कंप्यूटर नाम से एक कॉम्पैक्ट कंप्यूटर लॉन्च किया। अब दोस्तों ये कंप्यूटर ऐसा था, ना तो इसमें कोई मॉनिटर था और ना ही कोई इसमें सीपीयू था, सिंपल केवल बटन ही बटन दिखाई देते थे। अब दोस्तों हालांकि उस टाइम के हिसाब से देखें तो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, लेकिन बाद में इसमें धीरे धीरे कुछ चेंजेस भी इन्होंने किए। लेकिन अब 1978 तक आते आते टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हो चुकी थी और इन्होंने अपना एप्पल कंप्यूटर 2 एक और कंप्यूटर लॉन्च कर दिया। अब दोस्तों ये पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एडवांस था क्योंकि इसमें स्क्रीन भी आ चुकी थी, साथ ही साथ टाइप करने के लिए कीबोर्ड भी आ चुका था। इसीलिए दोस्तों इस कंप्यूटर ने उस ज़माने में क्रांति ला दी और जितने भी बड़े बड़े कंप्यूटर थे उनको हटाकर अब हर जगह इस छोटे एप्पल कंप्यूटर से काम होने लगा। अब दोस्तों एप्पल कंपनी ही इसलिए बनी थी कि भैया नए नए इनोवेशन कर सकें, तो इसीलिए इनके इस इनोवेशन से इनकी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। कंपनी 2-3 साल में ही लगभग $117 बिलियन तक पहुंच गई। अब एप्पल लगातार अलग अलग तरह के कंप्यूटर बनाता रहा और उनमें एडवांस टेक्निक भी डालता रहा, जिससे लगातार कंप्यूटर का साइज भी छोटा होता रहा और एप्पल के जितने भी कंप्यूटर्स थे उन्होंने अमेरिकन मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों बात आती है फ़ोन्स की। अब दोस्तों फ़ोन बनाने का जो आइडिया था वो आया मोटरोला के साथ कोलैबोरेशन के साथ। अब दोस्तों मोटरोला के साथ एप्पल ने जो कोलैबोरेशन किया वो किया था साल 2004 में, क्योंकि दोस्तों उस वक्त मोटरोला और एप्पल दोनों ही कंपनियां अमेरिका में पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो चुकी थी और ये कुछ मार्केट में नया प्रोडक्ट बनाना चाहती थी। दोनों के CEO आपस में दोस्त भी हुआ करते थे और दोनों ने ही मिलकर फिर फ़ोन बनाना शुरू किया। और दोस्तों 2004 के दौर में कुछ पॉपुलर फ़ोन ऐसे हुआ करते थे, नोकिया 7610, पाल्म ट्रियो 650 और ब्लैकबेरी 700T। कुछ इस तरह के फ़ोन उस टाइम मार्केट में चला करते थे और इनकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा धूम थी। इसलिए भैया मोटरोला और एप्पल दोनों ही चाहते थे कि भैया हमारा भी कोई प्रोडक्ट हो, और साथ ही साथ एक ऐसा नया फ़ोन मार्केट में लॉन्च कर दिया। हालांकि दोस्तों वो स्मार्टफोन बेहद ही बेसिक था और उसमें बहुत कम स्टोरेज थी, साथ ही साथ वो पहला ऐसा फ़ोन था जिसमें एप्पल ने अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था, क्योंकि दोस्तों उस समय पर नोकिया और ब्लैकबेरी का मार्केट में दबदबा था और इनके फ़ोन धड़ाधड़ बिक जाया करते थे। इसलिए मोटरोला और एप्पल का जो कोलैबोरेशन वाला फ़ोन बना था वो मार्केट में पूरी तरह से फेल हो गया। और दोस्तों इस फ़ोन के फेल होने का एक बड़ा कारण भी था कि भैया एप्पल के CEO स्टीव जॉब्स नहीं चाहते थे कि भैया एप्पल कंपनी फ़ोन बनाए, क्योंकि उनको लगता था कि भैया फ़ोन आने वाले समय में सब लोगों के पास नहीं जा पाएगा और ये केवल सीमित लोगों के पास ही रह जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि भैया वो ऐसा फ़ोन बनाए जो उसका सीमित ही इस्तेमाल हो। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बीता तो भैया एप्पल के जो अंदर टीम काम करती थी, एप्पल के और जो बड़े डिजाइनर थे, डेवलपर्स थे, अब उनको लगने लगा कि भैया अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, अगर हम फ़ोन बनाएंगे तो शायद हम इंडस्ट्रीज़ में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों बड़ी बात थी कि भैया स्टीव जॉब्स को मनाना, जब तक वो हाँ नहीं करेंगे एप्पल कैसे आईफोन बना सकता है। अब उनकी टीम ने स्टीव जॉब्स को मनाया कि भैया हम आईफोन बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से ही फिर स्टीव जॉब्स को भी लगा कि चलो यार बनाकर देखते हैं। लेकिन इसको इतना सीक्रेट रखा गया था कि भैया इसको बनाने के लिए अलग से एक ऑफिस बनाया गया और उस ऑफिस में जितने भी बंदे काम करते थे उनको घर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। वो बंदे वहीं पर काम करते थे, वहीं पर खाते, वहीं पर पीते, सब कुछ वहीं पर करते थे। वो पूरा एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था, टोटली वो एक पूरा लॉक रूम था, यानी कि भैया वहाँ पर ना तो कोई बंदा बाहर से आ सकता है और ना अंदर का बंदा बाहर जा सकता है। जो पूरी टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा था बेहद ही सीक्रेट टेक्नोलॉजी थी।
इसलिए दोस्तों 2-3 साल की मेहनत के बाद एप्पल ने अपना पहला आईफोन मार्केट में लॉन्च किया। और दोस्तों ये जो 2-3 साल की मेहनत थी ये उस फोन में आसानी से देखी जा सकती थी, क्योंकि दोस्तों अभी तक जो मार्केट में फोन थे उनमें बटन आते थे, उसकी स्क्रीन काफी छोटी आती थी। लेकिन दोस्तों एप्पल ने जो अपना फोन लॉन्च किया वो बेहद ही एडवांस था, पूरी उसकी स्क्रीन टच थी, ना ही तो उसमें कोई बटन था, साथ ही साथ उसमें एप्पल के खुद के सॉफ्टवेयर थे जिस पर वो रन करता था। और दोस्तों साल 2007 में लॉन्च हुआ इनका ये फोन, केवल 2 दिनों में ही लगभग 3 लाख फोन बिक गए। हालांकि इसकी कीमत लगभग $499 थी, जो उस टाइम के हिसाब से काफी महंगी थी। अब अमेरिका में एप्पल का आईफोन काफी तेजी से पॉपुलर हुआ और एप्पल पहले जहां कंप्यूटर के लिए जानी जाती थी अब वो अपने आईफोन के लिए जाने लगी। 2011 में स्टीव जॉब के निधन होने के बाद नए जो सीईओ बने टिम कुक, उन्होंने कंपनी के और नए नए प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च किए, जैसे कि भैया ईयरबड, आईपॉड, इस तरह के काफी सारे प्रोडक्ट भी इन्होंने मार्केट में लॉन्च कर दिए। हालांकि दोस्तों एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट थे उनमें सबसे ज्यादा एप्पल का आईफोन ही बिका। और दोस्तों आज एप्पल का जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें लगभग 50% से ज्यादा केवल आईफोन से ही आता है। एप्पल कंपनी ही इनोवेशन के नाम पर बनी थी कि भैया अपने प्रोडक्ट में नए नए इनोवेशन हम लाएंगे। लेकिन दोस्तों जब एप्पल ने शुरुआत ही अपने फोन बनाए थे तब तो उन्होंने इनोवेशन का काफी ज्यादा ध्यान रखा था और जितने भी वो मॉडल उतारते थे उनमें कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलता था। लेकिन दोस्तों अभी जो पिछले कुछ समय से आईफोन लगातार लॉन्च हो रहे हैं उनमें इनोवेशन के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एप्पल का आईफोन 16 लॉन्च हुआ है और दोस्तों उस आईफोन 16 को अगर हम देखें तो उसमें सब चीज़ सेम ही है जो आईफोन 15 में मिल रही थी, खाली उसमें कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स दिए हैं एप्पल ने। हालांकि अगर वो चाहते तो वो पिछले जो पुराने मॉडल थे उनमें भी अपडेट के जरिए वो चीज़ अवेलेबल करा सकते थे, लेकिन फिर भी एप्पल ने एक नया प्रोडक्ट ही उतारा जिससे कि भैया उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो। हालांकि दोस्तों अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो एप्पल की सेल काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई है, क्योंकि लोग भी अब समझने लगे हैं कि भैया एप्पल हमारा पागल बना रहा है। लेकिन दोस्तों वहीं अगर इंडिया की मार्केट की बात करें तो यहाँ पर आईफोन के जो सेल है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत में आईफोन यूज़र काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। क्योंकि दोस्तों भारत में सिंपल रूल है कि भैया जिसके पास आईफोन है वो अमीर है। अब लोगों को भी लगता है कि भैया अगर उनकी जेब में आईफोन होगा तो उनका भी अच्छा स्टेटस दिखेगा या फिर लोगों में उनका इम्प्रेशन जाएगा कि भैया वो एक अमीर आदमी है। इस तरह से जो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते वो ईएमआई पर ले लेते हैं और इसीलिए एप्पल की जो इंडिया में सेल है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कुछ समय पहले ही एप्पल ने अपना ऑफिशियल स्टोर मुंबई में भी खोला था, क्योंकि उनको भी पता है कि भैया जहाँ पूरी दुनिया में उनके प्रोडक्ट की सेल गिरी है तो अगर इंडिया की बात करें तो उनका प्रोडक्ट काफ़ी तेज़ी से बिका है, तो क्यों ना जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट तेज़ी से बिक रहे हैं वहाँ पर अपना ऑफिशियल स्टोर भी खोले जाएं। और आने वाले समय में आईफोन के स्टोर भारत के और भी राज्यों में खुलते नज़र आएंगे, क्योंकि अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में हो ही रही है, तो उससे ग्राहकों को भी फायदा ये होता है कि जहाँ उनको पहले 1-1.5 लाख के फ़ोन मिला करते थे अब वही फ़ोन उनको थोड़े सस्ते में मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।